Hi guys, welcome to my YouTube channel Ayush Times, and I am Ayush. So today I am going to discuss with you that how I scored 162 in chemistry paper of NEET 2022 and what was my strategy. So देखो basically अगर हम पूरे chemistry के paper का बात करें तो chemistry का जो section है वो तीन part में divide होता है, physical chemistry, उसके बाद से inorganic chemistry and then organic chemistry. तो अगर आपको नीट में अच्छा एक स्कोर लाना है 600, 650 या फिर 580 इस टाइप का, तो आपके नीट केमिस्ट्री में स्कोर 150, 160 होना चाहिए और मिनिमम 140 तो होना चाहिए. तो इतना अगर आपको स्कोर करना है 150 तो आप कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटजी, मेरा खुद का क्या स्ट्रेटजी था जिस वजह से मैं 162 अपने नीट के पेपर में ले पाया. तो आपके पास तो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा, जो नीट का दो तीन साल का जो अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वो लोग पूरा NCERT पे फोकस करते हैं. तो आपको NCERT तो पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर पूरा NCERT आप नहीं पढ़ सके, आपको बोरिंग लगता है, तो मैं कुछ जो एकदम से इम्पॉर्टेंट है डू एंड डाई चैप्टर्स है, जो NCERT से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, NCERT का स्टेटमेंट पूछ लेंगे, वो चैप्टर का मैं एक लिस्ट बना दूंगा हूँ कि इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा, अगर तुमको एक्स्ट्रा नहीं करना है तो इतना चैप्टर तुमको करना पड़ेगा. तो ठीक है, तो ये NCERT स्पेशल चैप्टर, जो NCERT का स्पेशल चैप्टर कौन कौन है जो तुमको NCERT से ही पढ़ना पड़ेगा. तो पहला फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि तुमको जो एक बेसिक, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता, जो एक बेसिक न्यूमेरिकल तुमको आएगा वो तुमको बुक में मिल जाएगा. तो सॉल्यूशन तुमको करना है, उसमें बहुत सारा हो सकता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, थ्योरेटिकल चैप्टर है ये भी सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन तुम NCERT से पढ़ना मस्ट है. फिर सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री का तो यार बहुत सारे कोचिंग में नोट्स भी नहीं बन पाते, बोलते हैं NCERT से पढ़ लेना, और मुझे भी लगता है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, NCERT से ही पढ़ लो. फिर ब्लॉक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है ब्लॉक केमिस्ट्री, इस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री हो तुम NCERT से ही पढ़ो, उसके जितने भी ट्रेंड है उन सबको छांट के एक पेपर पे लिख लो, तो ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया. फिर मेटलर्जी है, मेटलर्जी भी सरफेस केमिस्ट्री टाइप का ही, NCERT में बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा ही लिखा हुआ, अच्छे से लिखा हुआ, तो मेटलर्जी हो जाएगा. फिर ऑर्गेनिक, ये चार चैप्टर है ऑर्गेनिक के, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी चार चैप्टर तुम NCERT से ही पढ़ो. बस अगर आपकी इन सारे चैप्टर का अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप PYQ कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना NCERT से पढ़ो, इन सब का अंडरलाइन करिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए कॉपी में खुद के, और PYQ को साथ में सॉल्व कर लीजिए. तो ये तो बात रहा कि NCERT में स्पेशल, जो NCERT स्पेशल चैप्टर है उसका. अब बात करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको रहना चाहिए कि एक नोट्स, अगर आप किसी भी चैप्टर से पढ़ रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स तो होगा ही. तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको, आपके पास एक नोट्स है तो नोट्स पहले बनाइए, उसके बाद से MCQ करना है, 100 MCQ, हर चैप्टर से आपको 100 MCQ कर लेना है. फिर आपको PYQ करना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी हो गया. फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी बता चुके हैं कि NCERT से ही सब करना होता है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, आई एम रिपीटिंग अगेन, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबका एक बेस बनाता है आपका, तो वो दोनों आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. वो कहीं से भी अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आना चाहिए, जो भी जितने भी चीज है शेप प्रूफ है देखने आना चाहिए, पूरा साइज वाइज का ट्रेंड पता होना चाहिए. तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक का, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेंगे, ये आप ऐसे ही NCERT से पढ़ के नहीं, आपको इसको बाहर से पढ़ना पड़ेगा. फिर PYQ कर लो, PYQ तो सारे पूरे केमिस्ट्री के पेपर में करना है ना. फिर ऑर्गेनिक का बात करते हैं. अब ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर, ऐसे डायरेक्टली हर साल नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन उठ के नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं कि नोमेनक्लेचर का हर साल आएगा, ये आता है ऑल्दो, बट हर साल नहीं आता, लेकिन आपके कंपाउंड्स को पहचानने में तो काम आएगा ना. तो नोमेनक्लेचर को आप स्किप, भूल के भी मत कीजिएगा, नोमेनक्लेचर आपको मस्ट है जो करना ही पड़ेगा. फिर है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर GOC को मैं बता दूं कि जिनको नहीं पता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद से इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस, इस टाइप की चीज आता है. इसमें आपको ट्रेंड, आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स बनाया गया है आपको GOC, तो GOC करना है, इसे क्वेश्चन भी आता है और ये आगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड भी करेगा. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कर लेना है. फिर नेमिंग रिएक्शन, जितने भी नेमिंग रिएक्शन NCERT के हैं, फालतू नहीं करना है, NCERT के जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं उन सारे नेमिंग रिएक्शन को आपको पेपर पर लिखना है. अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, मेरे टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा नोट्स मिल जाएगा, बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगा, बहुत सारे PDF फाइल्स मिल जाएंगे, बहुत हेल्पफुल है. तो सबसे पहले तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो टेलीग्राम पे आपको मेरे खुद के टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा नोट्स मिल जाएगा. तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का आपको नेमिंग
रिएक्शन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन। उसके बाद एनसीईआरटी, मैं जब पढ़ता था तो केमिस्ट्री, तो मैं ऐसे एनसीईआरटी का मेरे वो मैं चैप्टर बाई चैप्टर उसको अलग कर लिया था। तो तुम जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ये मेरा खुद का एनसीईआरटी है। तो इसमें इस टाइप से तुमको पढ़ना है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस आपको दे रखा है, तो इसको आपको ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ना है। इसमें आपको है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इस टाइप के आपको नोट्स बना लेने हैं। फिर आपको रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है, ऐसे मार्क करके पढ़ना है। और शॉर्ट नोट्स के लिए आप एक पेपर पर भी उसको नोट कर सकते हैं। तो और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 31 ईयर MTG का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो पेपर बनता है ना, वो एक ट्रेंड पे बनता है, वैसे ही अभी कुछ नहीं पूछ देते हैं। तो ट्रेंड पे बन रहा है, तो सब क्वेश्चन बना रहे हो तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही बनाओ। ये मेरा खुद का सजेशन है और खुद का एक्सपीरियंस भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम कुछ सोच नहीं सकते हो। तुमको सबसे पहले तो ये करना चाहिए। तो यही है कि तुम अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर सब कुछ पढ़ो, मतलब कि कौन क्वेश्चंस बनाइए, जहाँ पे ज़रूरी लग रहा है आपको कि कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो रहा है वहाँ पे क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। मेरे खुद के टेलीग्राम पे आपको केमिस्ट्री का हैंडबुक मिल जाएगा, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। सो थैंक यू, बाय।